गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों मैं रवीना गोदियार आज आपको कक्षा 6 विषय हिंदी प्रकरण है बच्चों नादान दोस्त पार्ट 3। बच्चों नादान दोस्त जो है वो एक कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई है। नादान दोस्त कहानी का सार बताने से पहले मैं आपको प्रेमचंद जी के बारे में बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। बच्चों जो मुंशी प्रेमचंद जी थे उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1936 में हुई। बच्चों बनारस के लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम अजय राय था और माता का नाम आनंदी देवी था। बच्चों इनके पिता जो थे वह डाकखाने में काम करते थे और इनके जो है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों वो हैं गबन और निर्मला जो कि एक उपन्यास है, गोदान, कर्मभूमि और कहानी पूस की रात, इस तरह से इनकी अनेक रचनाएं हैं और इनका जो है हिंदी साहित्य में इनकी कहानियां, इनके उपन्यास बहुत सुप्रसिद्ध हैं। तो बच्चों नादान दोस्त जो है वो एक कहानी है, दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये कहानी है, केशव और श्यामा दो भाई बहन है बच्चों और उनके बारे में ये कहानी है। और चिड़िया के अंडों को देखकर वे आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसे होते होंगे, इनका रंग कैसे होता होगा, उसके बारे में ये सारी कहानी है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें आए हुए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। कारिश, कारिश होता है बच्चों दीवार के ऊपर का आगे का बढ़ा हुआ भाग, देखते होंगे आप जैसे सामान रखने के लिए दीवार पर कार्निश बनाई जाती है, आगे से थोड़ा सा आगे सामान के लिए एक पटरी जैसे बनाई जाती है सीमेंट की, उसे क्या कहते हैं बच्चों कार्निश कहते हैं। दूसरा है बच्चों फुर्सत, फुर्सत का मतलब होता है खाली समय। उसके बाद है बच्चों तरह तरह के अनेक प्रकार के, जिज्ञासा जानने की इच्छा और आहिस्ता से धीरे से, किवाड़ दरवाजा और फैसला निर्णय। तो बच्चों आप इसमें कठिन आए शब्दों को आपने ध्यान से सुन लिया होगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों। तो घर की कार्निश में श्यामा और केशव क्या करते हैं, उन चिड़िया के अंडों को देखते हैं और उनके बारे में उनके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि ये कैसे रंग के होते होंगे, इनका ये किसना इनका आकार होता होगा और मतलब तरह तरह के उनके मन में प्रश्न उठ जाते हैं। तो एक बार क्या होता है बच्चों उनको ये चिंता हो जाती है कि चिड़िया के अंडों को हम यदि खाली छोड़ देते हैं तो हम क्या पता इनके लिए इनकी पांच चिड़िया जो है दाना पानी पूरा ला पाएगी या ना ला पाएगी, या इनके लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो नादान थे बच्चे, क्या थे नादान थे, वो नहीं जानते थे कुछ भी, तो उनके लिए चिड़िया पूरा दाना पानी ला पाएगी या ना ला पाएगी, या उनके लिए पानी की व्यवस्था कहाँ से होगी, कहाँ से ये खाना खाएंगे, और इस तरह से जो है उनको जो है दिन प्रतिदिन के बारे में चिंता हो रही थी, कहीं इनको धूप ना लगे, इस तरह के कई सवाल बच्चों के मन में उठ रहे थे। तो अब क्या होता है बच्चों, दोनों बच्चों ने क्या करा, मटके से कुछ चावल निकाल देते हैं और ऊपर रख देते हैं, थोड़ा सा प्याली में पानी भर के रख देते हैं और क्या करते हैं बच्चों टोकरी एक टूटी फूटी टोकरी होती है उसको जो है उस पे थोड़ा सा उसके लिए अंडों के लिए क्या कर देते हैं छांव कर देते हैं और इस तरह से वो उनकी सुरक्षा की भावना अपने मन में लेकर के चलते हैं। एक बार क्या होता है बच्चों गर्मी के दिन थे और पापा जी कहाँ गए थे, उनके बच्चों के पापा कहाँ गए थे, उनके बाबूजी जो थे मतलब वो ऑफिस गए हुए थे और उन्होंने क्या करा धीरे से क्या कहते हैं माँ ने उनको कहा कि तुम सो जाओ, लेकिन वो सोए नहीं, उनकी जिज्ञासा थी, जिज्ञासा मीन्स बताया बच्चों जानने की इच्छा थी कि अंडे कैसे होते होंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा कि एक स्टूल लगाया उसके ऊपर चौकी लगाई और उसमें चढ़ गया, उसमें क्या हो गए चढ़ गए और जैसे ही उन्होंने कार्निस पे हाथ रखा वैसे जो उनकी माँ चिड़िया थी अंडों के जो माँ थी चिड़िया थी वो फुर से उड़ गई, क्योंकि चिड़िया भी डर गई और वो फुर से उड़ गई। उन्होंने क्या करा उन्होंने श्यामा ने देखना चाहा तो छोटी बहन श्यामा तो नीचे ही थी और केशव उस पर चढ़ा हुआ था स्कूल पे, उसने भी देखना चाहा, उसने कहा रुक जाओ पहले तुम कपड़े के चिथड़े लाओ, चिथड़े होते हैं बच्चों कपड़े के पुराने
पुराने टुकड़े, और उन्होंने क्या करा, उन अंडों को उठाया और उसके नीचे वो चिथड़े बिछा दिए, वो कपड़े के टुकड़े बिछा दिए और फिर उनको उसमें रख दिए। उन्होंने सोचा कि ये फर्श पे पड़े रहेंगे तो या घास फूस में पड़े रहेंगे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद क्या करा उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि पानी की प्याली ले आए, अनाज थोड़ा बहुत चावल के दाने इत्यादि ले आए, और उन्होंने कहा कि अब ये सुरक्षित है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो नीचे जो केशव था वो नीचे उतर आया। उसके बाद फिर क्या होता बच्चों, चिड़िया, दो चिड़िया आती, बार बार उनको अंडों को देखती और उनके बिना बैठे ही उड़ जाती, अंडों के ऊपर जो अंडे देती है चिड़िया उसके ऊपर वो अंडे बैठती है और उनको फिर वो गर्म होते हैं अंडे, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, उनसे बच्चे निकल आते हैं। लेकिन वो अब नहीं बैठ रही, वो क्या कर रही थी, वो अब अंडों के ऊपर नहीं बैठ रही थी। और उन्होंने क्या करा कि सोचा कि चिड़िया क्यों नहीं बैठ रही है, फिर से क्यों उड़ जा रही है, उनको इस विषय में भी बच्चों को चिंता होने लगी। तो उन्होंने फिर क्या करा, फिर चौकी उठा के लाए और फिर उनको देखने लगे। अब देखा बच्चों उन्होंने कि उनको देखा कि ये बाहर ये बच्चे जो हैं, बच्चे के ऊपर क्यों नहीं बैठ रही है चिड़िया, अंडों के ऊपर क्यों नहीं बैठ रही है, और वो फिर से क्या फूट उठ जाती है, इसकी उन्हें चिंता हो गई। फिर क्या हुआ बच्चों कि बाद में जब श्यामा की माँ, श्यामा और केसव की माँ ने देखा कि बच्चे सो नहीं रहे तो उन्होंने उनको डांटा, बच्चों को डांटा और कमरे में बंद कर दिया, अपने बच्चों को केशव और श्यामा को कमरे में बंद कर दिया कि दोपहर में तुम कहाँ घूम रहे हो। लेकिन बच्चों ने पहले माँ को ये बात नहीं बताई। और जब शाम को 4 बजे बच्चों अचानक श्यामा बाहर आई तो उसने देखा कि वह कार्निश के पास आई, जिस कार्निश में बच्चे थे उसके पास आई, तो उसके उसकी नज़र नीचे पड़ी, उसकी नज़र क्या पड़ी, नीचे पड़ी, अंडे जो है नीचे पड़े हुए थे, अंडे कार्निश से नीचे पड़े हुए थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद वो केशव भी बाहर घबरा करके आया, और जब श्यामा ने कहा कि बच्चे उड़ गए तो केशव भी घबरा के बाहर आया, पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी हुई थी, जो ऊपर से पानी की प्याली टूटी वो घबरा गया और उसने श्यामा से कहा कि अंडे जो है वो फूट गए, क्या है, अंडे जो फूट गए हैं और अंडों से कुछ सफ़ेद सफ़ेद टाइप का पानी बाहर निकल रहा है, और जो कि वही जो 2-4 दिन में जो पानी था वही बच्चे बन जाते। फिर उन्होंने, माँ आई, माँ ने हाथ की छड़ी ले रखी, उन्होंने कहा कि भाई क्यों तुम क्यों ये वो कर रहे हो, बच बाहर क्यों घूम रहे हो। तो श्यामा ने कहा कि अम्मा जी चिड़िया के अंडे जो है टूटे पड़े हुए हैं, और माँ ने गुस्से से कहा क्यों तुमने इनको छुआ होगा ना। तो फिर उन्होंने डरते डरते पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे हो, तो माँ ने उन्हें समझाया कि बच्चों तुमने अंडों को नहीं छूना था, यदि अंडों को तुमने छू लिया है तो उनको उनके ऊपर चिड़िया नहीं बैठती है और उन्हें गिरा देती है। और तो उन्होंने कहा, केशव और श्यामा ने कहा कि माँ हमने तो इनके लिए गद्दी बिछाई थी, इनके लिए पानी की व्यवस्था की थी। तो इस ऐसा सुनकर माँ को हंसी भी आ गई और केशव को अपनी गलती पर बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने अंडों की हिफाजत करते करते उनका सत्यानाश कर दिया, उनका क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया। मतलब इसीलिए इस कहानी का नाम नादान दोस्त है बच्चों, वो चिड़िया के बच्चों के चिड़िया के अंडों के दोस्त तो बने लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि यदि हम अंडों को छू लेंगे तो उसमें से अंडे चिड़िया अंडों को क्या करेगी, चिड़िया अंडों को मतलब चिड़िया अंडों को वो गंदा मानती है और उसके बाद उनको सेएगी नहीं, उनको गर्म नहीं करेगी, और ऐसा करने से जो है उन्होंने चिड़िया ने वो अंडे गिरा दिए और उसमें से बच्चे ही नहीं निकल पाए। तो बच्चों कभी भी जो है किसी भी पशु पक्षी के बच्चों अंडों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको उनकी माँ अपने हिसाब से वो काम करती है, अगर आप उनको छोड़ोगे तो वो चिड़िया कभी भी अपने अंडों के ऊपर नहीं बैठेगी और उनसे कभी भी बच्चे नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से जो है बच्चों कभी भी ऐसे छेड़ाखानी नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ से हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों इस कहानी से कि कभी भी हमें किसी भी पक्षियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उनकी स्वतंत्रता, उनकी आज़ादी में उनकी जो उनका कार्य है उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। इस तरह से केशव और श्यामा दो नादान दोस्तों ने रक्षा करते करते उन अंडों की हत्या कर दी, परंतु वो नादान थे इसलिए क्या हुआ, नादान ने उनकी गलती भी माफ कर दी। तो बच्चों आगे हम इसका आपको पीडीएफ भेजेंगे, घर में आप इस लेसन को रीडिंग कीजिएगा और इसका आप पीडीएफ भेजेंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन जो प्रश्न उत्तर है वो आप अपनी फियर कॉपी में करेंगे, सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे, और वर्कबुक का काम भी हम भेज रहे हैं। पहले हमने आपको वह चिड़िया जो और दूसरा चैप्टर जो आपका इसका है बचपन है वो भेजा है बच्चों, और उसके बाद जो हम आपको
इसका भी पीडीएफ का कार्ड भेजेंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन आंसर भी लर्न कीजिएगा। थैंक यू।